मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक औरत को देखते हैं जो ऑफिस में अकेली काम कर रही होती है। अब क्योंकि अगला दिन वीकेंड था तो बाकी सब लोग पहले ही निकल चुके होते हैं और ऑफिस पूरी खाली होती है। जेनिफर भी ऑफिस का काम खत्म करके फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने एक्स फियांसे से मिलने, क्योंकि काफी टाइम से उन दोनों के बीच चीजें सही नहीं जा रही थी। अब क्योंकि अगला दिन वैलेंटाइंस डे था तो इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलके उसे सरप्राइज देना चाहती थी ताकि उन दोनों के रिलेशन में कुछ सुधार आए। इसके बाद हम गाय नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो उसी सेम बिल्डिंग में काम किया करता था। अब दोनों अलग अलग फ्लोर से सेम लिफ्ट में चलते हैं। जेनिफर को देख के गाय उसके साथ बातें करने लगता है। जेनिफर रिप्लाई तो करती है बट उसे गाय के बातों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद गाय जेनिफर को लिफ्ट के अंदर एक ड्राइंग दिखाता है जिसको किसी ने स्क्रैच करके बनाया था। अब जेनिफर जैसे ही पीछे मुड़ती है ड्राइंग देखने के लिए कि तभी लिफ्ट अचानक से बंद हो जाता है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी तो होती है बट इमरजेंसी अलार्म बटन काम नहीं कर रहा होता है। इसके बाद गाय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है बट फायदा नहीं होता। जेनिफर ऑपरेशनल कैमरा के सामने मदद मांगती है लेकिन उसको किसी से रिस्पांस नहीं मिलता। और सबसे खराब बात तो ये थी कि लिफ्ट के अंदर नेटवर्क नहीं होने के कारण वो दोनों किसी को कॉल भी नहीं कर पाते हैं मदद के लिए। इधर जेनिफर को फ्लाइट के लिए लेट हो रहा था तो इसीलिए वो गुस्से में ये सोचने लगती है कि बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी गार्ड गए कहाँ। इसके बाद गाय के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि लिफ्ट में कोई एस्केप हैच हो, तो इसीलिए वो जेनिफर को अपने शोल्डर में उठा लेता है और लिफ्ट का सीलिंग चेक करने लगता है लेकिन उनको ऐसा कोई एस्केप पैनल नहीं मिलता है। अब एक घंटे के बाद जब जेनिफर का फ्लाइट मिस हो जाता है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है। गाय इधर अपने जोक से जेनिफर के मूड को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। अब थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। अपना नाम और जॉब डिटेल्स बताने के बाद गाय का कहना होता है कि सेम बिल्डिंग में काम करने के बाद भी उसने आज पहली बार लिफ्ट में जेनिफर को देखा। अब कहानी में आगे जेनिफर को बहुत तेज प्यास लगती है। यहाँ गाय अपने पानी का बॉटल उसे देता है बट जेनिफर पानी पीने से मना कर देती है। तब गाय अपने बैग से एक वाइन का बॉटल निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या पीना है। इसके बाद जेनिफर गाय के बॉटल से पानी पी लेती है और एज अ कॉन्सोलेशन प्राइज उसे कुछ कैंडी देती है और कहती है कि अब उन्हें पानी और ये कैंडी संभाल के यूज करना होगा क्योंकि अगले दो दिन वीकेंड है और इसीलिए ऑफिस कोई नहीं आने वाला, तो हो सकता है कि वो लोग इधर दो से तीन दिन तक फंसे रहे। अब ऐसे और चार घंटे निकल जाते हैं। इधर जेनिफर की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसे तेज पी आई हुई होती है बट गाय की मौजूदगी में वो शर्म से कर नहीं पा रही थी। लेकिन इस बात को समझते हुए गाय थर्मस बॉटल को आगे कर देता है और कहता है कि ये बहुत नॉर्मल सी बात है जिसके लिए एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद गाय पीछे मुड़के अपना आंख और कान बंद कर लेता है जिसके बाद जेनिफर पी कर लेती है क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि आगे ऐसे और टाइम लिफ्ट में बिताना पड़ेगा तो यहाँ शर्म करना बेवकूफी होगी। अब इसके कुछ देर बाद वो लोग टाइम पास के लिए गेम खेलते हुए बातें करने लगते हैं, जहाँ जेनिफर गाय से पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, जो गाय के घर न आने से परेशान होकर पुलिस को इन्फॉर्म करे। लेकिन इधर गाय कहता है कि वो सिंगल है क्योंकि उसने हमेशा अपने जॉब को इम्पोर्टेंस दिया है। एंड फिर जेनिफर भी कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने न्यूयॉर्क जाने वाली थी। अब क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी काफी टाइम से बात नहीं हुई है तो वो भी नहीं जानता है कि जेनिफर अभी कहाँ है। अब जेनिफर के मूड को सही करने के लिए गाय वाइन का बॉटल निकाल के उसको देता है और फिर दोनों पीने लगते हैं। एंड फिर टाइम पास के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं, जहां गाय जेनिफर की एक प्यारी सी ड्राइंग बनाता है पर जेनिफर गाय का एक फनी पिक्चर ड्रॉ करती है। यहां गाय जेनिफर से कन्फेस करता है कि उसने जेनिफर को पहले भी बिल्डिंग में देखा है बट उसने इसलिए झूठ बोला ताकि पहली मुलाकात में जेनिफर गाय को स्टॉकर न समझे। इधर गाय के बाद वो जेनिफर बहुत लाइटली लेती है और हंसते हुए इस बात को खत्म कर देती है। इसके बाद जेनिफर माफी मांगती है गाय का गंदा ड्राइंग बनाने के लिए और फिर गाय के ड्राइंग को अपना प्रोफाइल पिक्चर बना लेती है। अब आगे दोनों और पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। काफी टाइम बातें करने के बाद जेनिफर गाय से पूछने लगती है क्या कभी वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है। अब क्योंकि गाय काफी शर्मिला टाइप का लड़का होता है जिसके चलते वो झिझकता है जेनिफर के सामने ऐसी बातें करने से, पर तब जेनिफर शेयर करती है कि वो कॉलेज के लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ पहली बार इंटीमेट हुई थी।
अब यही सब बातें करते हुए गाय जेनिफर के नजदीक आ जाता है और उसे किस करने लगता है एंड फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बट कुछ देर बाद गाय जब जेनिफर से कहता है कि वो उसको प्यार करने लगा है तो जेनिफर गाय के पास से हट जाती है। वो कहती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास ही वापस जाना चाहती है क्योंकि वो रियल है एंड गाय को वो ठीक से जानती तक नहीं है। जेनिफर के हिसाब से लिफ्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ अभी उन दोनों के बीच में वो बस एक फन था। पर इधर गाय का कहना होता है कि उसका एक्स उसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। वो जेनिफर को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर जेनिफर नहीं मानती। वो उसके बातों से परेशान आकर क्लियरली कह देती है कि वो बस अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है एंड उसके साथ ही रहना चाहती है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद गाय का बिहेवियर अचानक से काफी बदल जाता है। वो अपना फोन निकाल के जेनिफर को उसकी कुछ फोटोज दिखा के कहता है कि वो उसे रोज फॉलो किया करता है। वो कब ऑफिस आती है, कब ऑफिस से घर जाती है, ये सब कुछ उसे अच्छे से पता है। गाय बताता है कि वो असल में कोई अकाउंटेंट नहीं बल्कि इस बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड है। अब क्योंकि उसके जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड को जेनिफर ने कभी नोटिस ही नहीं किया तो इसीलिए वो एक मौका ढूंढ रहा था ताकि वो जेनिफर से अच्छे से बात करके उसे इम्प्रेस कर पाए और इसीलिए उसने जेनिफर से झूठ कहा और ये सब नाटक किया। इसके बाद गाय अपने पॉकेट से चाबी निकाल के लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है एंड ये सब कुछ देख के जेनिफर गुस्से में पागल हो जाती है और गाय को धमकी देने लगती है कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगी। अब ये बात सुनते ही गाय लिफ्ट को फिर से बंद कर देता है। जेनिफर डर के मारे जल्दी से लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है बट गाय उसे रोक लेता है और दोनों के फाइट के चलते लिफ्ट में लगी चाबी भी टूट जाती है एंड दोनों रियल में अब लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। इसके बाद जेनिफर गुस्से में अपने जूते से गाय के सर पर मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर जब वो उसके पास जाती है चेक करने तब अचानक से गाय उठ जाता है और जेनिफर को मार के उसे भी बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो गाय से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। गाय कहता है कि वो अकेले में जेनिफर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था ताकि जेनिफर उसे अच्छे से जान पाए। उसका प्लान था कि वो जेनिफर के साथ पूरा वीकेंड इसी लिफ्ट में गुजारता और धीरे धीरे उसके नजदीक आ जाता लेकिन यहाँ जेनिफर कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि अगले शिफ्ट में कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस आ जाता और उन्हें इस बंद लिफ्ट से बाहर निकाल लेता। पर फिर इसके बाद जेनिफर को पता चलता है कि गाय ने पहले से ही वीकेंड के सारे शिफ्ट खुद लेके रखा है और इसीलिए अगले ट्यूसडे तक कोई और सिक्योरिटी गार्ड नहीं आने वाला है। अब कहानी में आगे गाय सारी गिफ्ट्स खोल लेता है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को देने वाली थी। उसे उन गिफ्ट्स में से एक शर्ट मिलता है जो वो खुद पहन लेता है और एक बॉक्स में से सिगर लाइटर एंड कटर मिलता है जिसको जला के वो जेनिफर को टॉन्ट मारते हुए हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहता है। अब इसके बाद लिफ्ट में एक लाइट ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो गुस्से में गाय उस लाइट को तोड़ डालता है बट तभी उसे रियलाइज होता है कि लिफ्ट के सीलिंग में लगी लाइट्स को चेंज करने के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए तो इसीलिए वो सीलिंग में लगे पैनल को हटाने की कोशिश करता है और कुछ टाइम बाद उसे रास्ता मिल जाता है। इसके बाद गाय जेनिफर को सपोर्ट देने के लिए कहता है ताकि वो यहाँ से निकल के बाहर जाके लिफ्ट का दरवाजा खोल सके लेकिन इधर जेनिफर कहती है कि सपोर्ट देने के लिए उसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है तो इसीलिए वो गाय से कहती है कि तुम मुझे सपोर्ट दो और मैं जाके लिफ्ट का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दूंगी। अब इधर गाय को जेनिफर के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं होता है पर जेनिफर उसे कन्विंस करती है ये बोल के कि वो उसको छोड़ के भाग नहीं जाएगी एंड सब कुछ भूल के वो गाय को और एक बार चांस देगी लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जेनिफर गाय की मदद से ऊपर चढ़ते ही उसे बिट्रे करके चली जाती है। अब इसे गाय गुस्से में पागल हो जाता है और कपड़ों को एक दूसरे के साथ बांध के रोप बना के जैसे तैसे ऊपर चढ़ने लगता है। इधर जेनिफर ऑलरेडी आधा रास्ता आ चुकी होती है और दूसरे एलिवेटर का दरवाजा खोलने ही वाली होती है बट तभी गाय वहाँ पहुँच जाता है और जेनिफर को खींच के खुद के साथ नीचे गिरा देता है। दोनों उसी सेम लिफ्ट में जाके गिरते हैं और चोट लगने के कारण बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि गाय बेहोश है। इसके बाद उसकी नजर फायर अलार्म की तरफ जाता है। अब फायर अलार्म को एक्टिव करने के लिए वो उस लाइटर की मदद से आग लगा देती है
ताकि इस अलार्म से उन्हें मदद करने कोई आ जाए। बट तभी धीरे धीरे गाय को भी होश आने लगता है और वो कहता है कि उसकी मदद करने यहाँ कोई नहीं आने वाला। जेनिफर गुस्से में पंच मार के उसका नाक तोड़ देती है और फिर कपड़े के टुकड़े से उसका हाथ बांध के उसको कैमरे के सामने सब कुछ सच सच कन्फेस करने के लिए कहती है एंड धमकी देती है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जेनिफर उसे बहुत टॉर्चर करेगी। अब मजबूरन गाय कैमरे के सामने सब कुछ सच बताने लगता है। वो अपना असली नाम जॉन बताता है। वो कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड से पहले वो सच में एक अकाउंटेंट था, लेकिन एक दिन उसकी गलती की वजह से उसके कार की एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और उसे 6 महीने का जेल होता है। अब जेल से निकलने के बाद उसे सिक्योरिटी जॉब के अलावा कोई और दूसरा अच्छा जॉब नहीं मिलता। मीनवाइल इधर बिल्डिंग का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एडी उसके गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में घूमने आता है और सीसीटीवी कैमरा में दो लोगों को लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ हालत में देखता है। उन्हें निकालने के लिए एडी जल्दी से लिफ्ट के पास चला जाता है बट तब तक जॉन अपने हाथ को जैसे तैसे करके खोल लेता है। लिफ्ट के पास जाके जब एडी जॉन को अंदर देखता है तो लिफ्ट का चाबी देके उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन तब जॉन उसे बोलता है कि लिफ्ट का चाबी काम नहीं कर रहा है एंड उसे लिफ्ट के अंदर बुला लेता है मदद के लिए। इधर एडी जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाने की कोशिश करता है तभी जॉन लिफ्ट को चालू कर देता है और एडी को मार डालता है। इसके बाद वो फिर से जेनिफर को मार के बेहोश कर देता है एंड लिफ्ट से निकल के फ्रेश होके सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहन के वो ऑफिस में आता है और सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। अब इसी टाइम पे एडी की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद जॉन उसे भी मार डालता है और फिर जेनिफर को उठा के कार में लेके एक सुनसान जगह पे आता है ताकि वो उसे भी मार सके। अब जॉन एक डस्टबिन बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल देता है एंड फिर जब वो जेनिफर को लेने जाता है, जेनिफर तभी जल्दी से जॉन के सर पर मार के गाड़ी लेके वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाके उसे रियलाइज होता है कि ऐसे इंसान को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो गाड़ी को स्पीड में पीछे ले जाती है और जॉन को जाके धक्का मार देती है। अब धक्के से जॉन डस्टबिन के अंदर जाके गिरता है और फिर जेनिफर जॉन के गाड़ी में से मिली सिगार को जला के डस्टबिन के अंदर फेंक देती है जिससे आग लग जाता है और जॉन की वहीं पे मौत हो जाती है। एंड दोस्तों ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।